देश के सर्वोच्च राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। इसी के साथ सानिया मिर्जा देश की पहली महिला खिलाड़ी बनी है जिन्हें सरकार ने इस सम्मान से नवाजा है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह के दौरान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सानिया मिर्जा को सम्मानित किया। लिंडर पेस के बाद सानिया देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार पाने वाली दूसरी टेनिस खिलाड़ी हैं। इंचियोन में एशियाई खेल 2014 में मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक और महिलाओं के युगल में कांस्य पदक जीता और विंबलडन 2015 में महिलाओं का युगल खिताब भी जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। इनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2015 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सुश्री सानिया मिर्जा। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर निशानेबाज जीतू राय सहित कई खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया। निशानेबाज जीतू राय ने पिछले दो वर्षों में शानदार प्रदर्शन किया है। निशानेबाजी में राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो 2014, इंचियोन एशियाई खेल 2014 और विश्व कप मेरीबोर स्लोवेनिया 2014 के स्वर्ण पदक विजेता है। निशानेबाजी में इनकी उपलब्धियों के लिए वर्ष 2015 के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। श्री नायब सूबेदार जीतू राय। उनके अलावा कॉमनवेल्थ खेलों में पदक जीतने वाली भारतीय महिला जिम्नास्ट दीपा कर्माकर, हॉकी स्टार पीआर श्रीजेश और पहलवान बबीता को भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया। जिम्नास्टिक में राष्ट्रमंडल खेलों में पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला दीपा कर्माकर ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2014 में कांस्य पदक, स्कॉटलैंड में 2014 में राष्ट्रमंडल आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में एक स्वर्ण पदक और एक रजत पदक जीता। इनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देते हुए वर्ष 2015 के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। सुश्री दीपा कर्माकर। समारोह में क्रिकेटर रोहित शर्मा, मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा और धाविका एमआर पुवम्मा को भी पुरस्कृत किया जाना था लेकिन वे उपस्थित नहीं थे। समारोह में खेल मंत्री सर्वानंद सोनोवाल सहित अन्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।